कुलपतिंको हटाइबा दाबीरे छात्र छात्रिंको आन्दोलन कोरापुट सेन्ट्रल युनिभर्सिटीर छात्र छात्री माने धारणा दैछन्ते गत 2 तारिखरे साइनेडाय हटिथिबा बेले 3 तारिखरु पाठपढा आरंभ हेबार थिला किन्तु काहिकि साइनेडाय घोषणा हेला एहार क्षति भरणा किए देबो बोली प्रश्न करिबास छात्र छात्रिंको द्वारा उपस्थापित दाबी पूर्ण होइनथिबा अभिजोग करिछन्ति छात्र छात्री माने प्रथमे छात्र छात्री माने सुनाबेडा स्थित मुख्य कैंपस रे आंदोलन करथिले परे आंदोलन को तीव्र करी पुरुणा कैंपस तथा कुलपतिंको कार्यालय सम्मुख रे धारणा रे बसछन्ते आंदोलन भितरे 4 जण छात्र अस्वस्थ हेबारु तांको कोरापुट मेडिकल रे भर्ती करा जाय छे आइन श्रृंखला दृष्टि रे रखी पुलिस फोर्स मुतयन करा जाय छे घटनास्थल रे एएसपी उद्धव नायक ओ एसडीपीओ नरहरि नायक उपस्थित रहिछन्ते संपर्क अधिक सूचना देवाई फोन लाइन रही प्रतिनिधि सूर्यनारायण पंडा सूर्यनारायण वर्तमान घटनास्थल स्थिति कौन रही है हम तो देखो वर्तमान घटनास्थल यह रही है छात्र छात्री मैंने जो कुलपति चैंबर रही है चैंबर बाहर जो बारंडा रही है बारंडा से वर्तमान सुधा बसी से गोटाए जिद आम सांगे बस आस कथबार्ता करूँ कुलपति कथबार्ता करूँ लिखित आकार में प्रतिश्रुति दिंतु कहीं सैन से करते आप पछक जा विगत 15 तारीख में गत मस 15 तारीख में प्रथम सैन डे होता तो 15 दिन पर 2 तारीख में यूनिभर्सीटी ओपेन है यूनिभर्सीटी ओपेन है 3 तारीख में स्वाभाविक प्रक्रिय क्लास चलो बोली भिसी कहते कि 3 तारीख दिन पिलाने अड़ी बसिले आम 15 दिन जो सैन डाय है ये पाठ आम नष्ट आमर विभिन्न प्रकार असुविधा आम जाइल आप कहीं सैन डाय कले तार लिखित आकार दिंतु एपटे अपरपक्षे बीसी कहते जिला मानक जो 60 दाबी रही 60 दाबी 54 दाबी पाखापाखि आम पूरण करूँ आउ किसी दाबी रही एमएचआरडी को आम लिखित भाव में जनईचु यूजीसी को लिखित भाव में जनईचु से अनुमोदन आसिले ही कम हम तेना आम देखा बीसी जो टाइप वर्तमान पिला मान जिद आगे आसुना आग को आलोचना को बिल्कुल आसुना न आसवर ही पिला गोटे टाइप जिद्र रही किसी छात्र छात्री गुरुतर है गत काली 10 अधिक छात्री गुरुतर रही है सुनावड़ा भर्ती करता आज कितु जो मेन कैंपस रही बीसी चैंबर रही चैंबर पाखे भी 4 अधिक 5-6 खंडे छात्र छात्री असुस्थ हेले शहीद लक्ष्मण नायक मेडिकल कौन बाहर अपेक्षा रही खबर पर नजर रखी था सूर्यनारायण परवर्त समय फेर बहुत बहुत धन्यवाद सूर्यनारायण पंडा रही प्रतिनिधि जे प्रसंगे अधिक सूचना देते।